गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। बेसिकली आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियर्स का यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सभी इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग ड्राइंग को रीड और उसको प्रिपेयर करना आना चाहिए। यानी कि इंजीनियरिंग जो उसके अंदर सिंबल्स यूज किए हुए हैं, जो स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है, जो लाइंस या फिर डायग्राम जो बनाए हुए हैं, तो वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर पाओगे, तभी एक इंजीनियर आप कह सकते हो अपने आप को। ओके, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिकली आपकी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स भी कहा जाता है इसको। यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कंट्री की ड्राइंग हो तो उस मोस्टली सभी ड्राइंग्स में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आपको पता होगा, या फिर जो है आपका सिंबल्स, स्ट्रक्चर्स, लाइंस, ये सब आपको पता होंगी, तो आप किसी भी कंट्री की ड्राइंग को आप समझ सकते हो। ओके, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स भी कहते हैं। ओके, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट ऑन अ 2D शीट व्हिच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर लाइक मटेरियल ऑफ प्रोडक्ट, साइज, शेप, प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एटसेट्रा। तो ये सब चीजें आपको ड्राइंग से पता लग जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना है, शेप क्या है, साइज क्या है, और ताकि आप फर्दर उसको प्रोसेस कर सके। सर्टेन रूल्स फॉलो होते हैं जब भी आप ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए जो रूल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो जैसे कि हमारा इंडिया है, फॉर इंडिया BIS स्टैंडर्ड फॉलो होता है। BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। फॉर जर्मनी इट इज DIN, दैट इज जर्मन लैंग्वेज, एंड इसका इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करोगे तो वो होगा जर्मनी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ब्रिटेन इज BS, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। फॉर USA ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। सो ये सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के रूल्स बनाते हैं, अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग है, और यही रूल्स आपके इन कंट्रीज में फॉलो होते हैं। तो आप जब इस सब्जेक्ट को आप पढ़ लोगे तो आपके अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप हो जाएगी? तो फर्स्ट जो स्किल आपकी होगी, एबिलिटी टू रीड एंड प्रिपेयर इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप इंजीनियरिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप रीड कर सकते हो और उसको बना सकते हो। एबिलिटी टू मेक फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री हैंड स्केच बनाने के काबिल हो जाओगे। पावर टू मेजिन, एनालाइज एंड कम्युनिकेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप फ्रंट व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू इमेजिन करने के एबल हो जाओगे। ओके, और एनालाइज कर सकोगे एंड कम्युनिकेट भी कर सकोगे। यानी कि इस कंट्री, अगर आपको अपनी कंट्री का ऑब्जेक्ट को दूसरी कंट्री में अगर दिखाना है, तो आप इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के थ्रू उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज इंजीनियरिंग ड्राइंग जब आप समझोगे तो तभी आप अदर सब्जेक्ट प्रोडक्ट को, जब आप समझोगे तभी अदर सब्जेक्ट्स को आप समझ सकते हो। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए आप सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, जिसको आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कहते हो। फर्स्ट वन आपका ड्राइंग बोर्ड, मिनी ड्राफ्टर, पेंसिल्स, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल्स, फ्रेंच कर्व्स, ड्राइंग शीट्स, इरेजर्स, शार्पनर्स, पिंस, सेलो टेप्स। ये आपके कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो हर जगह यूज होते हैं। इसके अलावा भी आपके काफी इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होते हैं, बट अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि यही इंस्ट्रूमेंट आपके लिए यूज होंगे। तो फर्स्ट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज योर ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड बेसिकली आपका सीजन वुड, सॉफ्ट वुड से बना होता है, 25 mm थिकनेस। ड्राइंग बोर्ड का साइज डिपेंड करता है आपके सीट साइज पर। जितने साइज की आपकी सीट है उसी साइज का आपका ड्राइंग बोर्ड होगा। जनरली जो आपकी सीट है वो A2 साइज की होती है, और A2 साइज की सीट के लिए हम D2 साइज का ड्राइंग बोर्ड यूज करते हैं। ड्राइंग बोर्ड का साइज 700x500 होगा। सो ड्राइंग बोर्ड का जो अपर सरफेस होता है, जो वर्किंग सरफेस होता है, वो प्लेन होता है। ये वाला वर्किंग सरफेस प्लेन होगा। ओके, दीज आर इसकी एजेस हैं और ये आपका टॉप है। लेकिन बॉटम में क्या होता है, बॉटम में आपका ड्राइंग बोर्ड के आपके बैटन्स लगे होते हैं, दो बैटन्स,
जिनसे आपके जो ये स्ट्रिप्स है वो ज्वाइन हुई होती हैं, ताकि आपका ड्राइंग बोर्ड स्टेबल रहे और इनके ऊपर आपकी वर्किंग सरफेस आती है, ये वाली सरफेस आपकी उस तरफ आती है। ओके, तो ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, जब आप इसको देखोगे एक्चुअल में तो आपको पता लग जाएगा जब आप बनाना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट आपका है ड्राइंग शीट। मैंने आपको बताया था ड्राइंग बोर्ड का साइज आपका ड्राइंग शीट पर डिपेंड करता है, और जनरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्लासरूम के लिए आपकी जो ड्राइंग शीट यूज होती है वो A2 टाइप की ड्राइंग शीट यूज होती है, जिसका आपका जो डायमेंशन है 420x594 है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शीट्स हैं, जिसकी A0 है, A0 को 841x1194 है। तो ये जो शीट है आपकी जो डिफाइन है, जैसे कि अगर आपका अगर हम डिफाइन करें, इफ दिस वन इज योर A2 शीट, A2 शीट मीन्स दिस इज योर 841 एंड दिस इज योर 1189। ओके, A0 ये है आपका है A0। तो A0 से अगर A1 आना है तो इसका हाफ कर दीजिए आप, इसका हाफ कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा A1। अगर A1 से A2 पे आना है तो आप इसका हाफ कर दीजिए। ओके, इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, मैं थोड़ा साफ बना देता हूं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अगर ये आपका A0 साइज है, ओके, तो इसका जो हाफ होगा, हाफ साइज आपका क्या होगा, दिस वन इज योर, दैट मीन्स अगर हम इसको हाफ करके बनाए, ये वाला पार्ट अगर मैं हाफ कर देता हूं इसको, तो ओके, तो ये जो है आपका ये शीट हो गई आपकी A1। ओके, अगर मैं इसका हाफ कर देता हूं, इसका अगर आप हाफ कर दोगे, इस शीट को अगर आप ड्रॉ करोगे, तो इसका हाफ किया तो ये आपका आया A2। ओके, अब फर्दर अगर आप इसका हाफ कर देते हो, ये इसका हाफ हो गया तो ये आपका आ गया A3, और इसका अगर हाफ हाफ कर दोगे, दिस वन ओके, तो ये सीट आ गई आपकी A4। तो इस तरीके से आपका डिफाइन है। डायमेंशन अगर आप mm में देखोगे तो A0 का डायमेंशन जो है 841x1189, यानी कि 1189 ये वाला है इसका जो है बिगर साइड, एंड दिस वन इज योर 841। सिमिलरली आपका A1 का 594x841 एंड A2 का 420x594, ये जो है ये आप क्लासरूम के लिए यूज करते हो, जो आपका क्लासरूम में यूज होता है ये वाला सीट यूज होता है, और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ड्राइंग बोर्ड यूज होता है D2, जो मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये आपका सेकंड है। थर्ड जो है आपका ड्राफ्टर, या फिर इसको मिनी ड्राफ्टर भी कहते हैं, ड्राफ्टर और मिनी ड्राफ्टर। ये जो है ये आपका एल शेप का होता है, एल शेप स्केल होता है इसके अंदर, ये जो है ये एल शेप स्केल है फॉर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। अगर इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो सिंपली आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, और इसके साथ आपका प्रोटेक्टर भी होता है, ये जो है ये प्रोटेक्टर है, ये एंगुलर के लिए है, एंगुलर मेजरमेंट के लिए, या फिर एंगुलर किसी भी एंगल पे लाइन लगाने के लिए। ओके, तो ये ड्राफ्टर है जो आप यूज करते हो। बेसिकली आपके सारा जो वर्क है, मैक्सिमम वर्क 90% वर्क आपका ड्राफ्टर से हो जाता है शीट के ऊपर। ओके, किसी और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ काम के लिए, कुछ ड्राइंग के लिए, जैसे कि आर्क होगी, आर्क के लिए आपको कंपास यूज करना पड़ेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स अगर कर्व है तो उसके लिए आपको फ्रेंच कर्व यूज करनी पड़ेगी, तो वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। सो ड्राफ्टर क्या है आपका, एल शेप स्केल होता है जिसके अंदर प्रोटेक्टर भी लगा होता है, विद प्रोटेक्टर, एंड इट इज यूज फॉर ड्रॉइंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, एंड आल्सो फॉर मेजरिंग लाइंस एंड एंगल्स।
तो इसलिए हम ड्राफ्टर का यूज करते हैं। ये कुछ टिपिकल क्लासरूम का, ये क्लासरूम में हमारे पास बेंच होते हैं, ड्राइंग बेंच, और इसके ऊपर आपने शीट लगाई हुई है, ये आपकी शीट है, ओके, और ये आपका ड्राफ्टर आपने इस पे क्लैंप किया हुआ है। तो इस तरह हम ड्राफ्टर का यूज करते हैं। ये आपका ड्राइंग बोर्ड, और ये जो है ड्राइंग बोर्ड ड्राफ्टर का है, ये जो है यहाँ पर इस तरीके से हम करते हैं। ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, ये आपका ड्राइंग बोर्ड, ओके, और ये है आपका ड्राफ्टर। ड्राफ्टर को यहाँ पर क्लैंप करते हैं, क्लैंप किया आपने ड्राफ्टर को, ओके, तो उसके बाद हम फिर इसका यूज करते हैं, पूरे ड्राइंग बोर्ड पर हम यूज कर सकते हैं शीट बनाने के लिए। नेक्स्ट है पेंसिल। पेंसिल डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं जो आप ड्राइंग के लिए यूज करते हो, लेकिन इंजिंग ड्राइंग्स में बेसिकली आप तीन टाइप की ही पेंसिल्स यूज करते हो, HB, H एंड 2H, मैक्सिमम ये आपकी यूज होती है HB, H एंड 2H। H स्टैंड फॉर योर हार्डनेस एंड B स्टैंड फॉर योर ब्लैकनेस, और ब्लैक कितना ज्यादा ब्लैक हुआ, ओके। तो HB जो है वो हम यूज करते हैं बॉर्डर लाइंस के लिए, लेटरिंग के लिए, या फिर फ्री स्केचिंग के लिए, ओके। लेकिन H जो है वो विजिबल आउटलाइंस, ऑब्जेक्ट की जो विजिबल आउटलाइंस है, विजिबल एजेस है, या बाउंड्रीज जो आपको बनानी है, उसके लिए हम H यूज करते हैं। 2H हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइंस, हिडन लाइंस, डायमेंशनिंग लाइंस, सेंटर लाइंस एटसेट्रा, काफी और डिफरेंट लाइंस के लिए हम यूज करते हैं। ये जो लाइंस है ये फर्दर जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको लाइंस डिफाइन कराऊंगा, लाइंस बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइंस है और कहां पर कौन सी लाइंस यूज होती हैं। तो सिंपली आप एक चीज याद रख लीजिए, जो HB है, ओके, HB है वो आपकी डार्क होती है, सबसे ज्यादा डार्क, ओके, उससे लाइट होता है एच, ओके, Okay, और 2H उससे भी ज्यादा, 2H आपका लाइटर, जितने ज्यादा H आपका बढ़ता रहेगा उतनी ही लाइट आपकी जो है पेंसिल की पेंसिल होती जाएगी, ओके। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका कंपास। कंपास आप यूज करते हो, आप सभी ने कंपास स्कूल में यूज किया होगा। कंपास आप यूज करते हैं जनरली टू ड्रा द आर्क और सर्कल, ओके। नेक्स्ट आपका है डिवाइडर। डिवाइडर आपने काफी लोगों ने यूज भी किया होगा या फिर काफी काफी स्टूडेंट्स ने यूज नहीं भी किया होगा। तो डिवाइडर आपका जनरली यूज किया जाता है टू ट्रांसफर लेंथ एक स्केल से दूसरे स्केल्स पर, टू ट्रांसफर द लेंथ टू द ड्राइंग आइदर फ्रॉम स्केल्स और फ्रॉम ड्राइंग इटसेल्फ, ओके, लेंथ को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट आपका है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर आप सभी लोगों ने देखा होगा, यूज भी किया होगा ज्यादातर लोगों ने, लेकिन ज्यादातर ने यूज भी नहीं किया होगा। तो सेट स्क्वायर बेसिकली आपके दो टाइप के सेट होते हैं, एक तो सेट होता है आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर का और एक 360 डिग्री। तो ये जो सेट स्क्वायर है ये आपका जो एक सेट स्क्वायर आपका 45 डिग्री का होता है, यहाँ पर 45, दिस वन इज 45, दिस वन इज 45 एंड दिस वन इज 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर जो है आपका दिस वन इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री। तो ये 30-60 का आपका सेट स्क्वायर है। दो टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं, ये दोनों टाइप आपके कंजंक्शन में यूज होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ही यूज होते हैं, टू ड्रॉ द पैरेलल लाइंस और टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइंस। जब आप इंजीनियरिंग ड्रॉइंग बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे आपको यूज करना है इन सबको। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यूज किया होगा। तो प्रोटेक्टर आपका जनरली यूज किया जाता है टू मेजर द एंगल, या फिर किसी भी एंगल पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो पहले आप में एंगल मेजर करते हो, पॉइंट लगाते हो, उसके बाद उसी एंगल पर लाइन ड्रॉ करते हो। देन स्केल। स्केल इज यूज टू ड्रॉ और मेजर द लाइन, ओके। उसके बाद आपका आता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व आपका ज्यादातर यूज नहीं होता है, लेकिन जहां पर आपकी कर्व्स होती हैं, जो आप जो कंपास से ड्रॉ नहीं कर सकते, आप एंगल प्रोटेक्टर से ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उनके लिए आपकी फ्रेंच कर्व्स होती है। फ्रेंच कर्व्स आपकी डिजाइंड कर्व इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आप यूज करते हो टू ड्रॉ द कर्व। जनरली कॉम्प्लेक्स कर्व्स के लिए यूज किया जाता है। देन उसके बाद आपके मिसलेनियस आइटम्स है, जैसे इरेजर हो गया टू रब
शार्पनर हो गया पेंसिल को शार्प करने के लिए, क्लॉथ हो गया जो भी आपका डस्टिंग होती है शीट के ऊपर, या फिर आपने इरेजर किया उसका वेस्टेज है, शार्पनर उसका वेस्टेज है, पेंसिल शार्प की तो उसको हटाने के लिए, पिंस एंड सेलो टेप्स जो आप यूज करते हो शीट को फिक्स करने के लिए, ड्राइंग बोर्ड या ड्राइंग बेंच पर आप शीट को फिक्स करने के लिए पिंस या सेलो टेप का यूज करते हो ताकि आपकी ड्राइंग जब आप ड्राइंग बनाओ तो वो हिले ना। तो ये सारे आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज करते हो जनरली ड्राइंग बनाने के लिए। ओके, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो आपकी शीट है उसकी लेआउट क्या होती है और टाइटल ब्लॉक शीट में और क्या क्या बनता है। थैंक यू।